जितने भी कैंडिडेट्स यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं, यूपी में आपको कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट या टॉप प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो आपको यहाँ पर इस काउंसलिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में रेडी होने चाहिए, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है। कई बार डेट को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि सर कब से कब तक डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या मेरे पास रिसेंटली 2023 का ही डॉक्यूमेंट है, कोई इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के हो। कई बार बच्चों को रहता है कि सर डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा, तो इस तरीके के कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास कंपलसरी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी नहीं है वो भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए ये पूरी लिस्ट है, जो कि इस लिस्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट कंसीडर किए गए हैं। फिलहाल इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आपके कंपलसरी नहीं है, जो आपके पास बाद में भी होगा तो चल जाएगा, जिसके लिए अभी से आपको परेशान नहीं होना है, जैसे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आपको प्रिटेंशन नहीं लेनी, ये आप बाद में बनवा सकते हैं, कॉलेज इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। कई बार प्राइवेट कॉलेज में तो देखा भी नहीं जाता, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। तो अगर आपकी अलॉटमेंट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आती है तो आपको जरूर से जरूर इसको बनवा लेना है। फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज में भी थोड़ा बहुत टाइम आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या कोई सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपका जिस भी कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट क्लेम कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। और जैसे ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी एक मेजर डाउट रहता है कि सर हमारे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्टेट का, तो देखिए ये आपकी स्टेट लेवल काउंसलिंग है, यहाँ पर आपका स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट भी चलेगा और सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट भी आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी कोई इनमें से सेंट्रल या स्टेट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर वैलिड होगा, लेकिन वो डेट की अगर बात करें तो डेट में आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल का हो या अप्रैल मई मंथ का हो या अभी रिसेंटली आपने जून में बनवाया है, ये सब वैलिड है। लेकिन अगर अप्रैल से पहले का डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट फिल करेंगे, डेफिनेटली ओबीसी से ओबीसी वाले ओबीसी डालेंगे, एससी एसटी कैंडिडेट अपना कास्ट डालेंगे, तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जिन कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट प्रॉपरली वैलिड प्रॉपर नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, उनको वो जनरल कैटेगरी में भी डाल देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम कई बार बच्चों की आती है, यहाँ पर बाद में आपको वेरिफिकेशन टाइम पे भी बार बार मैसेज आपके पोर्टल पे शो होता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कहीं ना कहीं आपको अपडेट। अगर कोई बाय द वे गलती से डॉक्यूमेंट आपका नहीं अवेलेबल है, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट अभी बनने को गया है, आपने अप्लाई किया है, तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है, एक रिसीविंग मिलता है, तो वो रिसीविंग भी आप वहाँ पर पोर्टल में लगा सकते हैं। साथ में आप एप्लीकेशन भी एक अटैच कर सकते हैं लिख करके, तो ये एक मैनुअल तरीका होता है जिसको आप कर सकते हैं। फिलहाल 10th 12th सर्टिफिकेट सभी के पास में होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा रखना है, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो भी आपको लगा लेनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप नया बनवा लीजिए। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट में आओगे आप एफडब्ल्यू सीट क्लेम नहीं करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। जो बच्चे एफडब्ल्यू सीट डालना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मस्ट है, कंपलसरी है कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जेई का रैंक कार्ड, जेई का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए मांगा जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपके पास में, परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी जो आपका प्रॉपर हो, फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह जो डिटेल्स हैं वो कॉमन रहती हैं। तो मेन ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट है जो यहाँ मेंशन नहीं है, रूरल वेटेज सर्टिफिकेट। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट रूरल, जिनका स्कूल या आपका कॉलेज जहाँ से आपने 12th किया है वो रूरल एरिया में लोकेटेड है। अगर वहाँ पर आपका ये रूरल में लोकेटेड है तो वहाँ का आपका थोड़ा सा बेनिफिट है, जो 3% का रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाता है। उसके लिए अपने स्कूल से एक यूपी टेक की काउंसलिंग का जो नया ब्रॉशर आएगा, उस ब्रॉशर में फॉर्मेट दिया रहेगा, वो फॉर्मेट लेकर के आपको अपने कॉलेज से वो सर्टिफिकेट बनवाना है, वेटेज सर्टिफिकेट का, कि आपका कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपको वहाँ से बन जाएगा। फर्दर काउंसलिंग रिलेटेड या कॉलेज रिलेटेड कोई डाउट है कि कहाँ पर सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप प्राइवेट कॉलेज में सीएससी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा रैंक है, तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।